नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम जो क्लास कर रहे थे, हम जो पढ़ रहे थे, वो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, जनरल साइंस पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो जनरल साइंस और फिजिक्स चल रही है सबको अच्छी आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो आप अपना प्यार बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, भाई बहनों को, दोस्तों को, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हमने जो कल क्लास की थी वो क्या थी कि न्यूटन के लॉ पढ़े थे, न्यूटन के गति के नियम पढ़े थे कि इसके न्यूटन ने गति के क्या नियम थे। उसमें हमने तीन नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या था न्यूटन का कि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी या गतिशील है तो गतिशील रहेगी, अगर जब तक उस पर कोई भारी बल नहीं लगाया जाता, कि भारी फोर्स नहीं लगाया जाता। दूसरा क्या पढ़ा था, एफ बराबर एम ए पढ़ा था, कोई किसी वस्तु पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो उसके मास और उत्पन्न होने वाले समय उसके एक्सेलरेशन के गुणनफल के समानुपाती होता है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था, एक्शन अपोजिट रिएक्शन वाला। अगर तुम किसी पे बल दोगे, किसी वस्तु पे लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो वो तुम्हें उसी के विपरीत दिशा में एक बल भी लगने वाला है। तो ये हमने कल तीन न्यूटन के नियम देखे थे, न्यूटन लॉ देखे थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे भी लगे होंगे, समझ भी आए होंगे, पसंद भी आए होंगे। तो उसी को हम कंटिन्यू करते आज पढ़ने वाले हैं कि बल क्या होता है। बल मतलब इंग्लिश में बोले तो फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हम सही से समझे कि बहुत सारे कैंडिडेट तो इसको ऐसे भी समझते हैं कि वो भी एक तरह का फोर्स ही होता है। जो आप समझ रहे हो कि आपको घर वाले क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिए क्या करते हैं, फोर्स दे रहे हैं, मतलब कि आपके अंदर से तो मोटिवेशन आ नहीं रहा पढ़ने के लिए, तो घर वाले क्या कर रहे हैं कि फोर्स दे रहे हैं, मतलब आपके पास खुद के पास मोटिवेशन नहीं है। मतलब आपको वो कहां से मिल रहा है, आपकी बॉडी से, या आपको सिर को कहां से मिलता है, बाहर से मिल रहा है। कोई भी चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर बाहर से अप्लाई की जाती है तो वो क्या होता है, एक तरह का उस पर बल होता है या फोर्स होता है। अपन बोलते हैं ना, उससे मैंने काम फोर्सफुली करा लिया। फोर्सफुली का मतलब ये थोड़ी है कि तूने कूट के या मार के या थप्पड़ मार के काम करा लिया, मतलब तूने उसको बोल के, तूने बोला नहीं नहीं भाई ये काम को करना ही है, मेरा काम कर, तो तुमने क्या किया उसको, वो उसके अंदर की फीलिंग क्या बोल रही थी मुझे नहीं करना है, पर दूसरे ने उस पर बाहर की, उसके शरीर के बाहर की फीलिंग, मतलब दूसरे अप्लाई की उसने और उसको बोला और वो उसने काम से फोर्सफुली करा लिया। तो मतलब फोर्स का मतलब वो है किसी वस्तु के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कोई बाहरी कारक, मतलब कोई बाहरी चीज अप्लाई करें और उसकी स्थिति में या उसकी पोजीशन में चेंज आ जाए। मान लो ये पत्थर है और ये पत्थर यहीं पड़ा हुआ है इस बीच रोड के ऊपर। अब ये पत्थर पड़ा है तो ये क्या है, एक तरह से रेस्ट के अंदर है, मतलब स्थिर है, ये कहीं गिर डुल नहीं रहा। अब चिंटू जा रहा था कार लेके, चिंटू ने देखा कि ये पत्थर कहां पे पड़ा हुआ है, सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ है। तो चिंटू अब क्या करेगा, कार से उतरेगा और इस पत्थर पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। जब ये फोर्स अप्लाई करेगा, भारी बल अप्लाई करेगा, तो पत्थर क्या करेगा, यहां से हिले डुलेगा और एक गतिशील अवस्था में आ जाएगा, गतिमान हो जाएगा, चलने लग जाएगा। रेस्ट से किसमें आ जाएगा, मोशन के अंदर आ जाएगा। जब मोशन के अंदर आएगा तो चिंटू अपना सारा जोर लगाएगा, सारा बल लगाएगा और इस पत्थर को रोड से क्या कर देगा, साइड में करेगा और चिंटू अपनी कार लेके फिर से निकल जाएगा। तो क्यों, चिंटू समझ में आया कि बल क्या होता है। बल वह भारी कारक है किसी वस्तु की स्थिति के अंदर चेंज कर दे या उसकी पोजीशन को चेंज कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हम बल बोलते हैं। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो जरूर बनाएं, नहीं बना रहे हैं तो बनाना है, बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और सब अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ना है। अब देखो, पढ़ते लिखो, फोर्स क्या होता है। बल, बल वह भारी कारक है, बल वह भारी कारक है, कारक है, बल वह भारी कारक है जो किसी वस्तु की, किसी वस्तु, जो किसी वस्तु की प्रारंभिक, प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे,
या उसमें गतिमान अवस्था में परिवर्तित कर दे, या उसे गतिमान अवस्था में परिवर्तन करे, परिवर्तन करे। और इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उसकी क्या होती है, न्यूटन। इसका SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आप लिख लो अगर नोट्स बना रहे हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बल या फोर्स क्या है, वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर दे या उसे गतिमान अवस्था में परिवर्तन कर दे। मतलब बल क्या है, वह एक्सटर्नल कोई चीज है किसी वस्तु की पोजीशन को चेंज कर दे अप्लाई करने पे। अब पढ़ेंगे फोर्स के टाइप, कितने टाइप के बल होते हैं। मेनली बल अपन चार पढ़ने वाले हैं, वो चार तरह के पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, प्रबल बल। और चौथा कौन सा पढ़ेंगे, क्षीण बल या वीक बल। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, एक वीक फोर्स होगा। तो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बल कितने तरह के पढ़ेंगे अपन, फोर्स चार तरह की, मेन मेन तो चार ही है भैया। पहला कौन सा है, ग्रेविटेशनल। पहला कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। उसके बाद दो नंबर कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको विद्युत, जिसको क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा कौन सा होगा हमारा, तीसरा कौन सा होगा हमारा, तीसरा होने वाला है हमारा दुर्लभ बल। तो तीसरा हमारा कौन सा होगा, तीसरा हमारा होने वाला है भैया दुर्बल बल, जिसको हम वीक फोर्स बोलेंगे। चौथा हमारा कौन सा होने वाला है, प्रबल बल, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग मतलब आप समझ ही रहे हो, वो जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वीक का मतलब होता है जो कमजोर होता है, वीक का मतलब क्या होता है, जो कमजोर होता है, जो कमजोर को तो कोई भी तोड़ सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल तो आप सभी जानते हो कि ब्रह्मांड के अंदर सभी चीजें क्या है, एक किसके द्वारा टिकी हुई है, कोई ना कोई कण एक दूसरे के द्रव्यमान को आकर्षित करता है। ब्रह्मांड के अंदर सभी वस्तुएं एक दूसरे को उसके द्रव्यमान के थ्रू या उसके मास के थ्रू अट्रैक्ट करती है। तो वो अट्रैक्शन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो अट्रैक्शन ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जैसे ये ब्रह्मांड है, क्या है, ये एक ब्रह्मांड है, मान लो इसके अंदर पृथ्वी है या सूर्य है, ये अर्थ है, ये सन है, ये मून है, ये मंगल है, ठीक है, ये शुक्र है, ये शनि है, जितने सारे ब्रह्मांड के अंदर ग्रह, ये बृहस्पति है, ठीक है, ये सब ग्रह। तो ये सारे अपनी अपनी एक कक्षा के अंदर नियमित रूप से क्या, चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो वो एक दूसरे के चक्कर लगा, तो अपनी एक कक्षा के अंदर, क्लास के अंदर फिक्स है, कोई इधर उधर नहीं भाग रहा। वो क्यों नहीं भाग रहे, क्योंकि वो एक ग्रेविटेशनल, एक गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं फिक्स रूट के अंदर, तभी वो वहां क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह पृथ्वी गोल है, पर हमें पता नहीं चल रही पृथ्वी गोल है क्या, क्योंकि और हम भी, अब बहुत सारे कैंडिडेटों का क्वेश्चन होता है जो आरसी कैंडिडेटों के समझ में नहीं आता कि अगर पृथ्वी गोल है और हम बोलते हैं पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के हम ये बोलते हैं कि पृथ्वी की पूरी पृथ्वी पर लोग रहते हैं, ठीक है, कि पूरी पृथ्वी पर लोग रहते हैं, इसके चारों ओर एक बंदा यहाँ भी रहता है ऊपर, चिंटू मान लो यहाँ रहता है ऊपर, और पिंटू वो बोलते हैं नीचे रहता है यहाँ पे।
तो बोलते हैं कि चलो चिंटू का, बोलते हैं हमारे समझ में आ रही है कि ये तो इसके ऊपर चल सकता है, रुका हुआ है, क्योंकि ये तो पृथ्वी के ऊपर ही तरफ है, नहीं गिरेगा कहीं। पर पिंटू नीचे क्यों नहीं गिरता? अरे भाई पिंटू नीचे कैसे गिरेगा? पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ये सब पृथ्वी के इस तरफ खींचे जा रहे हैं, ये सारे पृथ्वी के इस तरफ खींचे जा रहे हैं, तो नीचे नहीं गिर सकते। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल में ये सारे लोग बंधे हुए हैं, तब ये पिंटू नहीं गिरता नीचे। ठीक है मेरे चिंटू, आगे से ध्यान रखना, ये चिंटू पिंटू जो है ना, ये सारे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तो क्या है कि ब्रह्मांड में कोई भी, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में आप लिखो, मैं बोलता हूं, आप उसे बोलने से सुन के लिख लो। ब्रह्मांड में कोई भी कण अपने द्रव्यमान के द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के द्वारा आकर्षित करते हैं, उस आकर्षण बल को या उस आकर्षण फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब ये था। अब दूसरे की बात करते हैं, विद्युतचुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भैया? ये दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके नाम भी दो लोग से मिलकर बना हुआ है, विद्युत चुंबकीय बल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक विद्युत का बल, एक और चुंबक का बल। तो ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्थिर वैद्युतिक बल, स्थिर वैद्युतिक बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला कौन सा होता है इनमें से? पहला कौन सा इनका? स्थिर, स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसका पार्ट चल रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल का ये पहला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? विद्युत स्थिर बल का मतलब है, स्थिर मतलब इसका मतलब हो गया कोई दो आवेश है, एक आवेश यहां है Q1, एक आवेश यहां है Q2। ठीक है, इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच की दूरी क्या है? मान लो R है। इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है? इनके आवेशों के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती होता है। और इनके बीच की दूरी के क्या होता है? वितरक, इसकी इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर होता है। ये तो प्रोपोर्शनल होता है, इनके जो आवेश है इनका तो द्रव्यमान के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है उनकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में ये भी तो लिखते हैं ना, 1/4πI मिशन, तब ये उसका फॉर्मूला पूरा बनता है, 1/4πI Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या? स्थिर वैद्युतिक बल है। दूसरा क्या होता है आप लिख लो, फिर दूसरा बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो इनका होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर कौन सा होता है? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है भैया, शब्दों पे ध्यान देना, बाकी आप समझ जाओगे। दूसरा कौन सा होता है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? ये दो मैग्नेट है मान लो, और इनके ध्रुवों पे, इनके ध्रुवों के बीच में लगने के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स है। जैसे ये क्या, एक M1 एक M2 है, और इनके मैग्नेट के ध्रुव होते हैं ना P1 P2, हम उसको पोल होते हैं, क्या बोलते हैं, एक N होता है, एक S होता है, एक NS होता है। तो NN की तरफ आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, NS आएगा विपरीत आएगा, तो
तो आकर्षण होगा। यही हमारे डेली लाइफ में सिद्धांत लगता है भैया। अपोजिट जेंडर का हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सेम जेंडर का क्या होता है, सेम जेंडर में अट्रैक्शन थोड़ी होता है, आदमी का आदमी में बहुत कम अट्रैक्शन होता है, आदमी का औरत में ही तो होता है, ठीक है, वही तो यहाँ लगता है, यही तो पृथ्वी का नियम है भैया। तो इसमें क्या है, ठीक है, पर आजकल लोगों के इंटरेस्ट थोड़े चेंज हो गए, सेम जेंडर में लोगों को भी इंटरेस्ट आने लग गया। अगर आप में भी कुछ ऐसी चीजें हैं तो अपना इलाज कराएं, डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। इसमें क्या है, हम चुंबकीय मैग्नेटिक फोर्स में देख रहे थे कि ये दो ध्रुव है, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है और इनके बीच की दूरी आर होती है, तो इसका फोर्स क्या होगा, 1/4πe m1 m2 अपॉन में इसकी r के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब इन दोनों के ध्रुव के द्रव्यमान के तो प्रोपोर्शनल होता है और इनकी दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक फोर्स था। आप समझो, समझने से ही अच्छा समझ आएगा, डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो। आपने उम्मीद करता हूं ये सब नोट कर लिया होगा, उतार लिया होगा, और अब चलते हैं आगे। तीन नंबर हमारा क्या था, दुर्लभ फोर्स या वीक फोर्स, दुर्लभ बल या वीक फोर्स। दुर्लभ का या वीक से नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत कमजोर सा बल होगा, जिसको मतलब आसानी से हम हटा सकते हैं, ज्यादा फोर्स नहीं होता है। जैसे ये मोस्टली कहाँ होता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटोन हो गए, उनके नाभिक के अंदर ऐसी चीजों में होता है कि मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटोन में ऐसा होता है ना कि बहुत वो मतलब उनका बॉन्ड होता है ना, बहुत वीक बॉन्ड होता है, मतलब जल्दी से उनको रिमूव कर देते हैं, हट जाता है। उसके बाद था हमारा प्रबल बल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। तो ये भी कहां आपको देखने को मिलता है, किसी नाभिक के अंदर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन भी देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या उनके बॉन्ड बहुत टाइट होते हैं, तोड़ने पे भी नहीं टूटते हैं क्या। इसी तरह बहुत सारे बच्चों की दोस्ती क्या होती है, बहुत खतरनाक वाली होती है, तोड़ने पे भी नहीं टूटती, जैसे कृष्ण और सुदामा की थी है, तो वो क्या होती है, एक तरह का प्रबल बॉन्ड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और दुर्लभ बल क्या होता है या वीक फोर्स क्या होता है, कि छोटी सी बात पे दोस्ती खत्म, तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, वो कौन सा होता है, दुर्लभ फोर्स वाला सिस्टम होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर तोतरे की ओर देखेंगे, एक होता है बैलेंस बैंड और एक होता है अनबैलेंस बॉन्ड। बैलेंस बैंड को हम क्या बोलते हैं, संतुलन बल। संतुलन बल ठीक है। ये कौन सा होता है हमारा, बैलेंस फोर्स। संतुलन बल में क्या होता है, संतुलन बल कौन सा होता है, वो फोर्स, जैसे मान लो एक ये पत्थर है और इस पे दो से ज्यादा बल लग रहे हैं कोई, ठीक है, एक बल इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक यहां 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 से लग रहा है, मतलब दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं इस पत्थर पे, चारों दिशाओं में से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो अब जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इस फोर्स का क्या होगा, एवरेज क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये पत्थर यहां से हिलने वाला नहीं है, ये पत्थर यहां पे ही रहेगा, क्योंकि ये एक इधर से फोर्स मार रहा है, उधर से लग मार रहा है। जैसे ऐसे समझो, कई बार क्या होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, तीन चार लोग होते हैं, फ्रेंड लोग होते हैं, तो एक लोग क्या बोलते हैं, भाई तू मेरे साथ चल, एक बोलते हैं भाई तू मेरे साथ चल, दोनों एक दूसरे को इधर से, एक उधर वाला उधर खींचता है, इधर वाला इधर खींचता है, और अपन क्या रहते हैं, बीच के अंदर टस से मस नहीं हिलते, वहां के वहीं खड़े रहते हैं, ना तो इधर वाले के साथ जाते हैं, ना उधर वाले के साथ जाते हैं, वहां के वहीं रह जाते हैं। तो वो क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है, संतुलन बैंड फोर्स होता है, ठीक है, बैलेंस फोर्स होता है या संतुलन बल होता है, कि मतलब उसकी स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया और उसका बीजगणितीय फोर्स था वो टोटल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल लगाए जाते हैं, जब कोई पिंड है या कोई वस्तु है, उसमें एक से ज्यादा बल लगाए जाते हैं, लगाएंगे तो बल कार्य करते हैं, उन सभी बलों का परिणाम क्या हो जाएगा, उन शून्य हो जाएगा, तो वो पिंड क्या, संतुलन अवस्था में ही
रहेगा। तो इस दिशा में पिंड पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? संतुलन फोर्स कहलाता है। जब किसी पिंड पर एक से ज्यादा बल लगाए जाते हैं, तो उन बलों का परिणाम शून्य हो जाएगा और उस पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? एक संतुलन बल कहलाएगा या बैलेंस फोर्स कहलाएगा। अब बात करते हैं दो नंबर असंतुलन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अब इस वही इसमें कहानी है, इसमें क्या होगा? असंतुलन बल या अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? कोई पिंड है किस पे दो से ज्यादा बल लगाए जा रहे हैं, और उसमें क्या होगा कि एक बल अधिक प्रभावकारी होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, और इस पत्थर को अपनी दिशा में खींच के ले जाएगा। मान लो ये पत्थर है कोई, और इस पे क्या फोर्स लग रहा है? ये इधर से चिंटू खींच रहा है इसको, ये, और इधर से इसको पिंटू खींच रहा है, ठीक है, दोनों खींच रहे हैं अपनी अपनी तरफ। अब चिंटू भाई साहब क्या ज्यादा हष्टपुष्ट है खाने में, ठीक है, और मोटा है शरीर में, ये क्या करेगा? इस पत्थर को अपनी तरफ खींच ले आएगा और पिंटू इसको नहीं खींच पाएगा। जैसे कि अपन कहीं जा रहे हैं, तीन लोग है, तो एक बोलता है भाई तू मेरी तरफ चल, दूसरा बोलता है मेरी तरफ चल, जो ज्यादा ताकतवर होता है वो अपने को खींच के ले जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, किसको किस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। मतलब किसी पिंड पर दो से ज्यादा बल लगाए जाते हैं, तो किसी वस्तु का एक बल की दिशा में गति करने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित बल बोलते हैं या अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। अब लिखो, किसी वस्तु पर दो से ज्यादा बल लगाए जाते हैं, तो वस्तु किसी एक बल की स्थिति में गति करने लग जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलन बल या अनबैलेंस फोर्स। दोबारा से बोलता हूं, किसी वस्तु पर दो या दो से ज्यादा बल लगाए जाते हैं, तो वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स या असंतुलन बल। तो हमने आज क्या पढ़ा? बल के सारे टॉपिक पढ़े, उसमें हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, उसके बाद फोर्स कितने टाइप के होते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल था, विद्युत चुंबकीय बल था हमारा, वीक फोर्स था, स्ट्रॉन्ग फोर्स था। उसके बाद हमने बैलेंस फोर्स देखा, अनबैलेंस फोर्स देखा कि ये क्या होता है। ये हमारा फोर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया और इसकी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कल हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा? घर्षण, मतलब फ्रिक्शन क्या होता है और फ्रिक्शन का हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्लास को पूरा देखें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें, अपने भाई बहन को शेयर करें, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 9th 10th 12th कॉलेज एग्जाम वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसी तरह इस वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे हर क्लास का आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास। तो मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।